सिया समुदाय में जुलूस जंजीरी मातम लघु लुहान करके करबला पहुँचे। बरेली 10 मुहर्रम योमे आसुरा पर सिया समुदाय में जुलूस और आलम निकला। जंजीरी मातम से अपने आप को लघु लुहान करके करबला से इमाम हुसैन द्वारा दी गई कुर्बानी का पुरसा दिया। इसमें इमाम बड़ा वसी हैदर गड़ैया से 2 जुलूस निकले। एक अंजुमन ऑल इंडिया गुलदस्ते हैदरी का और दूसरा अंजुमन गुलदस्ते हैदरी का किला सब्जी मंडी कोठी नवाब तहबुल अली के बाहर से अंजुमन गुलदस्ते हैदरी ने अंजीरी मातम किया और करबला ने हुसैन ने दीवान खान से जंजीरी मातम किया। फिर इमाम बड़ा फतेह अली शाह में रुका। वहां मौलाना शहवार हुसैन नकवी ने मजलिस पढ़ी और कहा, आज का दिन कामयाब से कम नहीं। आज हजरत इमाम हुसैन का पूरा कुनवर राहे खुदा में इस्लाम बचाने के लिए कुर्बान हो गया। उन्होंने यजीद के आगे सर ना झुकाया, सर कटा दिया और इस्लाम पर अपना 6 महीने के बच्चे जनावे अली असगर की कुर्बानी पेश कर दी ताकि नाना की उम्मत बच जाए, इस्लाम बच जाए। आज यही वजह है पूरी दुनिया में हुसैन की सजा गूंज रही है और यजीद का कोई नाम लेवा नहीं। उसके बाद इमाम बड़ा फतेह अली शाह से सभी अंजुमन ने एक साथ जुलूस निकाला। इसमें अंजुमन शबसीर ए हैदरी, अंजुमन गुलदस्ते हैदरी, अंजुमन ऑल इंडिया गुलदस्ते हैदरी, अंजुमन परचम ए अब्बास, अंजुमन परचम ए अब्बास, अंजुमन करवाने हुसैन आदि अंजुमन एक साथ जुलूस लेकर करबला गईं। रास्ते में अली कॉलोनी लीची बाग के पास से परचम अब्बास ने जंजीर का मातम किया। आज के दिन इमाम हुसैन को शहीद किया गया था, उनकी शहादत का दिन है। करबला में जाते हैं जुलूस, ताजी दफन होते हैं, उनकी याद में दिन मनाया जाता है असरा। अच्छा, ये मातम किया जा रहा है, इसका क्या उद्देश्य है, क्या मतलब? इमाम हुसैन की उसमें एक अकीदत पेश करते हैं कि जिस तरीके से जुल्म उन पे हुए, जिस तरीके उनको शहीद किया गया करबला में। क्या नाम है आपको? शानू काजमी। शानू काजमी जी, आज जो मुहर्रम को लेकर आप छह समुदाय लोग मातम कर रहे हैं, ये क्या वजह है जो मातम करते हैं? देखिए, ये पहली बात तो ये एक हक और बातिल की लड़ाई थी, जिसमें क्या नाम है, एक यजीद शैतान था और एक इमाम हुसैन अल्लाह के बंदे थे जो हजरत नवासे रसूल थे। और यजीद चाहता था कि हजरत इमाम हुसैन मेरी बात माने और क्या कहते हैं मेरा सजदा करें, मुझे जो है क्या कहते हैं खुदा समझे। लेकिन हजरत इमाम हुसैन ने कहा खुदा सिर्फ एक है, जिसे अल्लाह ताला हम लोग कहते हैं, जो रबुल करीम है। तो इसलिए जो है उन्होंने जो है यजीद की बैत नहीं की, यजीद को खुदा नहीं माना, उन्होंने जो है राय खुदा में सर कुर्बान कर दिया, अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया। 6 महीने के बच्चे से लेकर उनके 18 बरस का जवान तक था, उसमें उनके भतीजे भांजे सबको अपने दीन पर कुर्बान कर दिया ताकि इस्लाम बच जाए। इस्लाम को जो बचाने के खातिर उन्होंने भूख प्यास 3 दिन की शिद्दत बर्दाश्त की, उसके लिए ये जो है जुलूस निकाला जाता है, ये जंजीरी मातम होता है, जो छोटे छोटे बच्चे जंजीरी मातम कर रहे हैं कि वो याद कर रहे हैं कि तपती रेत पे कैसे नन्हे अली असगर को लेटाया गया था वहाँ पे धूप में, और पानी नहीं दिया गया था यजीद ने, जो पानी की मांग की। आखिर यजीद इस तरीके से आतंक और क्यों करता था, आखिर चाहता क्या था? देखिए, जो आतंकवाद होता है उसकी सोच होती है मेरा आतंक रहे लोगों पे, मेरा एक रौब रहे, मैं ये लोग मेरी पूजा करें, मेरी इबादत करें, मुझे खुदा माने। लेकिन हजरत इमाम हुसैन अली मकाम ने समझा दिया, देखो दिखा दिया कि खुदा एक ही है, जिसे हम अल्लाह कहते हैं, जो रब्बुल करीम है, हम उसके अलावा किसी का सजदा नहीं कर सकते। हम जो है तुम्हारे आगे सर कटा देंगे लेकिन सर नहीं झुकाएंगे, दीन हक पे पूरे राह पे, दीन की राह पे अपने बच्चों को, अपना घर बार पूरा परिवार, इसीलिए उन्होंने कुर्बान कर दिया ताकि इस्लाम बच सके, ताकि अमन रहे, ताकि जो है लोगों में एक पैगाम जाए। आज यही वजह है पूरी दुनिया में हर जगह हुसैन हुसैन की सजा आ रही है और यजीद का कोई नाम लेवा नहीं है। आज मुहर्रम की 10 तारीख है, तारीख से क्या ताल्लुक है? ये तारीख, आज की तारीख सारी शहादतें हुई थी, जितने भी करबला के शहीद थे वक्ते असर सबकी शहादत हो चुकी थी सबकी, और उसके बाद जो एक एक करके हजरत इमाम हुसैन सबके लाशें उठा के लाते हैं और वहाँ पे जो रखते हैं, फिर उनका लाशा जो था तीरों का था, बेगोरो कफन रहा, बस उसी उसमें जो है 10 तारीख का वो होता है। शकील हैदर जैदी। शकील हैदर साहब, जो आज मुहर्रम की 10 तारीख को लेकर सिया समुदाय के लोग जो मातम करते हैं, ये मातम क्यों करते हैं और क्या वजह है इसकी? इसकी वजह है कि इमाम हुसैन को यजीद ने 14 यजीद ने अपनी बैत के लिए फजल्ड किया, मतलब उनको वो किया, तो ये मदीना छोड़ के करबला पहुँचे और उसने इनको 10 तारीख में हमारे सारे जो तहजीद कराए थे उनको शहीद कर दिया है, और उस गम के हम ये मातम करते हैं और जंजीरों का। आखिर यजीद चाहता क्या था? ये कहता था कि मेरी बैत करो, मेरा कहना मानो,
इस्लाम को छोड़ो, शराब पियो, ये तरह की तो पूरी तरीके से कौम के अंदर इस तरीके से भय पैदा कर रखा था, भय पैदा कर रखा था बुरी तरीके से। एनजी न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।